जय हिंद। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। कभी आपने सुना होगा कि दिल धड़कने लगा, मोरा जियरा धक धक करने लगा। भैया ये जो दिल है ये हमेशा धक धक करता है, जियरा जो है ना हमेशा धक धक करता है। अगर ये धक धक करना बंद कर देगा ना तो ये दुनिया से बाबू धक धक करते हुए बाहरे निकल जाओगे। तो ये हमेशा धक धक करता रहता है। कभी कभी कुछ लोग इमेजिनरी हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हार्ट का नाम दिया गया, आपने देखा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। एक्चुअल में हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये तो इमेजिनरी हार्ट का स्ट्रक्चर है, वैसा नहीं होता है। ई है आपका हार्ट, बनाए तो हम इतना बड़ा आपको समझाने के लिए, लेकिन होता है काफी छोटा सा। एक बंद मुट्ठी करिए इस तरह से, और बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बहुत ज्यादा वेट का नहीं, बहुत ज्यादा कम से कम या अधिक से अधिक 300 ग्राम का होता है, 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि एक पाव जो बोलते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। ये है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें पूरी कहानी हम समझाएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहे, बिल्कुल आराम से और आसान भाषा में समझाएंगे। एक को टॉपिक नहीं होगा इसमें जो उनकी बच जाए, हाँ एक को टॉपिक नहीं होगा जो उनकी बच जाए, सब क्लियर कर देंगे आराम से। बस खाली देखते रहिए। तो ये जो हार्ट होता है कहाँ सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड होता है आपका जो मिड रिब होता है, यहाँ ये जो मिड रिब है, मिड रिब से थोड़ा सा लिफ्ट होता है, बहुत थोड़ा सा, माने कि इधर। कभी कभी किसी का हार्ट जो होता है वो राइट साइड आ जाता है। एक तो छोटा सा किस्सा शेयर करते हैं, एक कहानी हम पढ़ रहे थे, आर्टिकल था पेपर में निकला हुआ था कि एक आदमी था, वो बेचारा प्यार में फेल हो गया। जब प्यार में फेल हुआ ना, तो प्यार में फेल होने के बाद लोग बड़ा इधर उधर बहुत कुछ कर लेते हैं, खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो बहुत लोग ऐसा ऐसा कर लेते, तो वो ऐसा ही कुछ किया। जब फेल हो गया प्यार में तो उठाया चाकू और दे मारा अपने हार्ट के ऊपर। किसी ने बताया था कि हार्ट तो होता है लेफ्ट में लेकिन करता है राइट काम, तो उसके दिमाग में आया कि हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड होता है, उठाया छुरा भक से भोंक लिया। जब भोंक लिया हार्ट में, सोचा कि हार्ट में घुस गया है, लेकिन उसको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद जब उसका ऑपरेशन वगैरह किया गया, तो पता चला कि उसका हार्ट जो है वो लेफ्ट में ना हो गया, थोड़ा सा राइट में था। तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं, 2-4-5% लोग होते हैं जिनका हार्ट जो होता है वो राइट साइड होता है। तो बच गया था इस वजह से क्योंकि उसका हार्ट था राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड होता तो मर गया होता, क्योंकि इतना अंदर तक छुरा वो घोंप लिया था। तो ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें चार वाल्व होते हैं। टोटल कितने वाल्व होते हैं इसमें, चार वाल्व होते हैं। देखिए एक वाल्व तो यहाँ पे है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम, ठीक है राइट एट्रियम। दूसरा देखिए यहाँ पे है जो दिख रहा है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम और चौथा यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने टोटल चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, टोटल 4 चैम्बर, राइट ये राइट और इसके बाद लेफ्ट। तो एट्रियम 2 होते हैं, बस एक राइट साइड होता है एक लेफ्ट साइड होता है, तो 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम होता है ऊपर होता है और वेंट्रिकल जो होता है वो नीचे होता है। एट्रियम कहां ऊपर के साइड और वेंट्रिकल कहां नीचे के साइड। ये जो एट्रियम का साइज होता है थोड़ा सा छोटा, वेंट्रिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी में ब्लड आता है और जाता है, आता है या जाता है, इन्हीं के थ्रू पूरा काम होता है। और हार्ट का जो मेन काम होता है, मेन काम क्या होता है, ब्लड की पंपिंग करना। हार्ट का जो मेन काम है ना, ब्लड की पंपिंग करना होता है। एक किसी को रखने के लिए जगह नहीं बनाया गया कि कोई इसके अंदर रहता है कि आप हमारे दिल में है। ये कहानियां होती है, आपका फोटो मेरे दिल में छपा है,
भैया दिल में जो होता है ना ये ब्लड की पंपिंग होती है और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसी को ये भी कोई कोई ये समझता है कि जो ब्लड होता है यहाँ पे प्योर होता है क्षमता है, नहीं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी यहाँ होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है, यहाँ सिर्फ हार्ट का काम है ब्लड को क्या करना, पंप करना, ब्लड को पंप। जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर समरसेबल लगवा के निकालते हैं तो उसमें होता है कि जो पानी पहले से है बस उसी को हम लोग निकालते हैं, पंप से निकालते हैं उसको, बनाते नहीं है। वही सही हार्ट का काम होता है, हार्ट जो होता है ब्लड को बनाता नहीं, खाली पंप भर करता है, बस इतना इसका काम है। अब चलिए देखते हैं कि जो हार्ट होता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आपको दिख रहा है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर वाल्व दिख गए आपको। फिर उसके बाद आप देखिएगा यहां पे एक तो दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक तो वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइक स्पीड वाल्व, नाम याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि बाइक स्पीड वाल्व कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो आप बताएंगे जो बाइक स्पीड वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और ट्राइक स्पीड कहाँ होता है, ट्राइक कैप्सिड होता है, ट्राइक स्पीड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। और यहां पे देखिए कुछ जो ब्लड आता है वो कहां से आएगा, तो इन्फीरियर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा, इनसे जो ब्लड होता है वो एंटर करता है यहां से। इन्फीरियर जो वेना कैवा होता है वहां ये ब्लड लेकर आता है कहां से, ट्रंक एंड लोअर लिंब से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आता है हार्ट के अंदर, तो यहां से वो लेकर आता है। और यहाँ पे एक होल होता है, इस होल को बोलते हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, या ओपनिंग जो होती है इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग कहाँ पे होती है, राइट एट्रियम के अंदर। तो ब्लड यहां से होते हुए ये निकलेगा इसके अंदर, यहाँ पे चला आया, आ गया इसके अंदर आ गया। अब यहां पे देखिए ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये ब्लड को कहां से लाता है, हेड एंड अपर लिंब से ब्लड को लेकर आएगा। किस ब्लड को, जो ब्लड होता है कैसा, वो ब्लड होता है भाई डीऑक्सीजनेटेड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आएगा राइट एट्रियम में, इंफीरियर नीचे से लेके आएगा, सुपीरियर ऊपर से लेकर आएगा, और यहां से जो ब्लड होता है वो आ जाएगा फिर वापस से इसके अंदर। कब, ये जब हमारा ये जो बाइक ट्राइक स्पीड वाल्व है, ट्राइक स्पीड वाल्व जब ओपन होगा तो यहां से जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहां से फिर यह ब्लड होते हुए देखिएगा, यहां से होते हुए ये ब्लड जाएगा, तो यहां पे भी एक तो वाल्व है, लिखा गया है सेमी लूनर वाल्व ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो ये वाल्व होता है सेमी लूनर वाल्व होता है, कौन सा, सेमी लूनर वाल्व होता है। तो ये वाला जब ओपन होगा तो यहां से ब्लड निकलेगा और चला जाता है किसको, ये ब्लड यहां से चला जाएगा जो लंग्स होता है वो चला जाता है लंग्स को। तो लंग्स दो, एक होता है राइट दूसरा होता है लेफ्ट साइड में, तो इधर से ब्लड लेकर चला जाएगा लेफ्ट लंग को, और यहां देखिए ए वाला जो होता है ए वाला लेकर चला जाएगा राइट लंग्स को। तो इधर से एक चला जाएगा राइट लंग्स को लेकर और ए वाला चला जाएगा लेफ्ट लंग्स को लेकर। तो ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे फ्लो किया, कहां से फ्लो किया एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कि ट्रंक एंड लोअर लिम्ब से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आएगा इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू और पहुंच जाएगा कहां पे, इस वाल्व से होते, यहां पे देखिए एक तो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से होते पहुंच जाएगा राइट एट्रियम में, और जो सुपीरियर वेना कैवा होता है वो हेड एंड अपर लिम्ब से ब्लड को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली कैरी हो रहा है, लेकर चलाएगा कहां पे, ये लेकर चलाएगा यहां पे राइट एट्रियम के अंदर। जब इसमें ब्लड काफी भर जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर लगता है, ये जो वाल्व होता है ये वाल्व के ऊपर प्रेशर लगता है जो कि ट्राइक स्पीड वाल्व है, ट्राइक स्पीड वाल्व के ऊपर प्रेशर लगता है। जब प्रेशर लगेगा तो यहां से ब्लड निकल के चलाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर।
तो इसके इसकी जो ओपनिंग होती है, जो खुलता है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, माने कि नीचे की तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन नहीं होगा, ये एक डायरेक्शन, माने यहां से ब्लड यहां आने के लिए ओपन होगा, फिर सोचे कि यहां से ब्लड वापस इसमें जाए तो ये ऐसा बंद हो जाएगा कि इधर ब्लड नहीं जाए नहीं जा पाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन होता है, वो भी लोअर साइड में, अपर साइड में ओपन नहीं होता है। फिर यहां से ब्लड निकला और चला गया कहां पे, चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो चला जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर देखिए यहां से जाएगा लेफ्ट लंग्स को और इधर से जाएगा राइट लंग को। अब जब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचता है तो वहां पे ब्लड का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड में। तो ऑक्सीजनेटेड में जब ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वापस से वो ब्लड आएगा किसके अंदर, हार्ट के अंदर आएगा। तो कहां से आएगा हार्ट के अंदर, देखिएगा यहां से एंटर करेगा हार्ट के अंदर, इधर से एंटर करेगा, ये यहां से ऐसे एंटर किया और कुछ इधर से एंटर करेंगे तो ये यहां पे इसकी वाल्व है। यहां से एंटर करेंगे जो ब्लड होते हैं, यहां से एंटर करेंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब आएंगे तो यहां पे प्रेशर लगेगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके बीच में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व, ए ओपन होगा। ए भी यूनिडायरेक्शनल ही होता है, सिर्फ नीचे के साइड ब्लड को फ्लो करने की परमिशन देगा, ऊपर के साइड नहीं। तो यहां जब प्रेशर लगेगा तो ओपन होगा बाइकस्पिड वाल्व और ब्लड चलाएगा किसके अंदर, आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब एंटर करेगा तो यहां से देखिएगा ए ब्लड जो यहां आया था, यहां से ब्लड इस तरह से होते हुए यहां जाएगा, इधर ही जाना चाहेगा ऐसे, तो यहां से होते हुए इधर जाएगा ब्लड। उसके बाद फिर वापस से ब्लड ए देखिए इस तरह से होते हुए यहां से होते हुए इसके अंदर चला आएगा, इसके अंदर आया ब्लड और फिर इसके अंदर आने के बाद यहां से चला जाएगा ये ऊपर की तरफ, इधर चला गया, इधर चला गया और ये इधर चला गया, और कुछ जो ब्लड होते हैं वो नीचे की साइड यहां से, तो ऐसे। तो जब ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, तो लेफ्ट जो लेफ्ट लंग्स होता है और राइट लंग्स होता है उनसे ब्लड निकल के आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, के बीच में जो वाल्व होती ओपन होगा तो ब्लड यहां से निकल के इसके अंदर आ जाएगा, ये वाल्व ओपन होगा तो फिर यहां से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा जिसके बीच में बाइक स्पीड वाल्व होता है, बाइक स्पीड वाल्व ओपन होगा, ब्लड चला जाएगा ये जो यहां पे देखिए एरोटा जो होता है, एरोटा से हेड एंड अपर लिम्ब के लिए चला जाएगा एरोटा से, और डिसेंडिंग एरोटा से चला जाएगा ट्रंक एंड लोअर लिम्ब के लिए, डिसेंडिंग एरोटा से ट्रंक एंड लोअर लिम्ब के लिए, और एरोटा से चला जाएगा हेड एंड अपर लिम्ब के लिए। ये जो प्योर ब्लड हुआ यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से, जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो ऊपर की तरफ इधर से और नीचे की तरफ यहां से चला जाएगा। अब देखिएगा ये जो वाल्व होता है, आप हार्ट में कभी डॉक्टर को देखे होंगे तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता है, तो हार्ट में दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक साउंड होता है लब और एक होता है डब, दो साउंड क्रिएट होते हैं। ये थोड़ा सा लब वाला जो साउंड होता है ये थोड़ा सा तेज होता है और ये थोड़ा सा धीमे होता है, ये थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है, तेज होता है और थोड़ा धीमे सुनाई देता है। कब सुनाई देगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो वाल्व आपको दिख रहा है ये वाल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ध्यान से समझिएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड थोड़ी सी तेज होती है जिसको बोलते हैं लब। ये जो लब वाली साउंड होती है थोड़ी तेज होती है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसके अलावा यहाँ पे जो सेमी लूनर और पल्मोनरी ट्रंक यानी कि सेमी लूनर वाल्व जब बंद होता है तो सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पे देखिए एक तो यहाँ पे वाल्व है और एक तो यहाँ पे वाल्व है, तो जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं इनके बंद होने पर डब की साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि थोड़ी धीमे होती है। लब की साउंड कहाँ से, यहाँ से ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड वाल्व के बंद होने से लब की साउंड प्रोड्यूस होती है, और सेमी लूनर वाल्व इन दोनों वाल्व के बंद होने से डप की साउंड प्रोड्यूस होती है। लब की साउंड थोड़ी सी तेज होती है, डप की साउंड थोड़ी सी धीमे होती है। इसके अलावा हार्ट में दो और साउंड प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो इतने धीमे होते हैं कि सुनाई बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो डॉक्टर को सिर्फ दो सुनाई देता है लब और डप स्टेथोस्कोप के थ्रू। तो ये स्ट्रक्चर था पूरा हार्ट का।
अब इसके लिए एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना के हम किसी और वीडियो में समझाएंगे कि जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे और कहाँ कहाँ ब्लड को कैसे फ्लो करा रहा है, उसके लिए एक अलग वीडियो होगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में अभी इतना ही। एक बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं कि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो एट्रियम होता है अपेक्षाकृत थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और वेंट्रिकल थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे बना बड़ा है उससे मतलब नहीं, ये थोड़ा छोटा होता है दोनों और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो हार्ट होता है, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से निकल के चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जिसके थ्रू जाता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी, और जिसके थ्रू हार्ट में वापस आता है लंग्स से वो होता है पल्मोनरी वेन। वो अलग चीज़ें अलग वीडियो में बताएंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ से ब्लड लंग्स में गया तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू चला आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से निकल के आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से चला जाएगा देखिए एरोटा के थ्रू अपर हेड एंड अपर लिम्ब्स में चला जाएगा और डिसेंडिंग एरोटा के थ्रू चला जाएगा ट्रंक एंड लोअर लिंब में चला जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका, हार्ट का, और इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ध्यान से आप देख लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इससे इजी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। आराम से आप देखिए समझिए इस चीज को, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।